6 दिसंबर 1992 की वो तारीख जब देश भर से जुटे कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। यूपी पुलिस कार सेवकों पर निशाना लगाकर बैठी थी, तभी लखनऊ से कल्याण सिंह ने दे दिया था वो आदेश। भगवान राम की नगरी अयोध्या कैसे बन गई थी फैजाबाद? आखिर अयोध्या में क्यों बनी थी बाबरी मस्जिद? पूरे देश में दो गुट बन गए थे, एक बाबरी मस्जिद वाला और एक राम मंदिर वाला। जहां कभी राम मंदिर हुआ करता था, वहां 500 साल बाद फिर से राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? आखिर अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद क्यों किया गया था? बाबरी मस्जिद के टूटने से पहले यूपी पुलिस ने कार सेवकों पर गोली चलाने का निशाना लगाकर बैठी थी, लेकिन फिर कल्याण सिंह ने ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से यूपी पुलिस भी सिर्फ देखती रह गई और लखनऊ से दिल्ली तक का सियासी तापमान हाई लेवल हो गया। उस दिन क्या हुआ था और पूरी कहानी जाननी है तो इस 3 मिनट की स्पेशल रिपोर्ट को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिले। 6 दिसंबर 1992 को देश भर से लाखों कार सेवकों की भीड़ अयोध्या के बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। इसमें हजारों लोग एक साथ नारे लगा रहे थे, जय श्री राम और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे की गूंज से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही थी। उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे बीजेपी के बड़े नेता भी अयोध्या में थे और नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता थे और अटल आडवाणी के साथ साये की तरह चलते थे। केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार थी और यूपी में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार। आरएसएस और कार सेवकों को यूपी की कल्याण सिंह सरकार का सपोर्ट मिल रहा था, इसीलिए केंद्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो हुआ जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। पूरी दुनिया और सुप्रीम कोर्ट देखते रह गए। लाखों लोगों की भीड़ बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गई और ढांचे को तोड़ दिया। हाथों में बल्लभ, कुदाल, छेनी, हथौड़ा लिए उन पर वार किया जा रहा था। जिसकी हाथों में जो था वही उस ढांचे को ध्वस्त करने का औजार बना लिया। ये सब होने में महज 2 घंटे लगे। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबरी विध्वंस की सुबह ही 11:45 पर फैजाबाद के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने बाबरी मस्जिद व राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया था। हालांकि वो हालातों को नहीं समझ पाए, उन्हें पूरा आयोजन एक सामान्य कार सेवा का कार्यक्रम ही लगा। समय बीतने के साथ यहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। दोपहर को अचानक भीड़ गुंबद पर पहुंचने में कामयाब हो गई और बेकाबू भीड़ ने बाबरी मस्जिद के गुंबदों को तोड़ दिया। इधर लखनऊ में बैठे कल्याण सिंह को पता चल गया था कि सरकार अब बर्खास्त कर दी जाएगी। कहते हैं कि उस वक्त यूपी की बैकडोर संभाल रहे कल्याण सिंह ने पहले से ही अपना इस्तीफा लिखकर रख लिया था। कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने उस रोज की घटना के बारे में बताया था कि 500 साल तक संघर्ष हुआ लेकिन राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई। बाबर के साथी मीर बाकी ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा खत्म कर दिया गया, सरकार भी चली गई। लेकिन मुझे सरकार जाने का कोई अफसोस नहीं था। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके मुकाबले सरकार गिरना तो बहुत मामूली सी बात है। सीएम की कुर्सी छीन जाने के बाद भी कल्याण सिंह ने कहा था कि मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की यही आशा थी कि राम का मंदिर बने। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कल्याण सिंह यूपी के सीएम नहीं होते तो शायद राम मंदिर भी नहीं बन पाता। अगर उनकी सरकार में बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो राम मंदिर बनने का रास्ता भी साफ नहीं हो पाता। लेकिन अब आपको वो कहानी बताते हैं कि आखिर अयोध्या का नाम फैजाबाद किसने और क्यों रखा। फैजाबाद शहर का नाम नवाब शहादत ने दिया था। उनके उत्तराधिकारी मंसूर खान ने अयोध्या को अपना सैन्य मुख्यालय बनाया और मंसूर के बेटे शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को एक पूर्ण शहर के रूप में विकसित करने के अलावा अयोध्या को अवध की राजधानी बनाया था। बाबर के साथी मीर बाकी ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए भगवान राम का मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। लेकिन अब करीब 500 साल बाद एक बार फिर से उसी जगह पर मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया। कहते हैं कि सच कितनी भी गहराई में दबा क्यों ना हो, एक दिन बाहर जरूर आता है। ऐसा ही सच राम मंदिर का भी है जिसे मस्जिद बना दिया गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन इस राम मंदिर के बनने में सबसे बड़ा योगदान उनका ही है, क्योंकि उनके जैसा कोई धाकड़ हिंदू सीएम अगर नहीं होता तो शायद बाबरी मस्जिद भी कभी नहीं टूटती। कल्याण सिंह की सरकार में जो हुआ क्या आप उसे सही मानते हैं? और भगवान राम के वापस अयोध्या आने की आपको कितनी खुशी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी के पास ये जानकारी पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।